रिपोर्ट में हम आपसे मंदाकिनी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बता दें आपको, मंदाकिनी आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राम तेरी गंगा मैली से चर्चा में आई मंदाकिनी फिल्मी दुनिया से फिलहाल पूरी तरह गायब हो चुकी हैं और लाइमलाइट से दूर हो चुकी मंदाकिनी आखिर अपनी जिंदगी को किस तरह से जी रही हैं, चलिए आपको बताते हैं। गौर हो कि जब मंदाकिनी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज जरूरत से ज्यादा हो गई तो मंदाकिनी ने 1996 में फिल्म इंडस्ट्री से अपने आप को दूर कर लिया। आखिरी बार फिल्म जोरदार में उन्हें देखा गया जो 1996 में आई थी और इसके बाद मंदाकिनी ने अपने आप को फिल्मी पर्दे से दूर करना ही मुनासिब समझा। फिल्मों से दूर होकर उन्होंने डॉक्टर रिंपोचे ठाकुर के साथ शादी कर ली और आज अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, आज अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए मंदाकिनी तिब्बती हर्बल सेंटर चलाती हैं, तिब्बती योगा क्लासेस चला रही हैं। कई बार ये भी कहा गया कि मंदाकिनी ने भारत छोड़ दिया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि मंदाकिनी भारत को छोड़कर कहीं नहीं गई, बल्कि मंदाकिनी जो है वो मुंबई में ही है, वहीं उनका घर है जहां वो अपने पति और अपनी एक बेटी के साथ रहती हैं। यही उनका तिब्बती योगा सेंटर है और तिब्बती हर्बल सेंटर है। हैरानी की बात है, माया नगरी मुंबई में रहने के बावजूद भी मंदाकिनी को स्पॉट नहीं किया जाता मीडिया के कैमरों में। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।